हाय, मैं हूँ राकेश राय। आप देख रहे हैं रॉयल टेक रिव्यूज़। आज हम डेल लेटीट्यूड 3450 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसे हमने अमेज़ोन से लिया है कुछ टाइम पहले, बट कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इसे हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और इस पर अगर एक डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते चलिए। तो लैपटॉप का लुक जिस तरह का देखने को मिल जाता है, इसमें आपको i7 के साथ में 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, इंटेल आयरिस ग्राफिक्स मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ हद तक गेमिंग इस पर कर पाएंगे। डिस्प्ले इसमें 15.6 इंच का मिलता है। स्क्रीन ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये मैट फिनिश टाइप का मिल जाता है, और इसे आप एक हाथ से इजीली उठा पाएंगे। हिंज काफ़ी अच्छा काम करता है, एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप है, और बैक साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, काफ़ी क्लीन है, किसी तरह का कोई डैमेज इसमें दिख नहीं रहा है। विंडोज़ 10 का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, दैट मीन्स विंडोज़ लाइसेंस इसमें मिलने वाला है। आगे कुछ और डिटेल्स हम इस पर देख लेते हैं। तो देखिए, लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये एक सी पोर्ट है, ये एक USB पोर्ट, एयर वेंट और 3.5 mm का जैक है, और इसमें किसी तरह का कोई डस्ट नहीं है, तो आप केयरफुली इसको चेक कर लें। और फ्रंट की अगर बात करें तो किसी तरह का कोई पोर्ट नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स ज़रूर दिया हुआ है इसमें। सामने कैमरे के जस्ट ऊपर इसमें HD कैमरा आपको मिल जाता है, और माइक्रोफोन जो है नॉइस रिड्यूसिंग फीचर के साथ में मिलता है। इसमें सामने हमें किसी तरह का कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिला है। जो लैपटॉप है ये 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ में मिलता है। और राइट साइड की बात करेंगे तो ये कार्ड का स्लॉट है, एक सी पोर्ट, एक USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और सिक्योरिटी लॉक मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो एक एयर वेंट है, इसके अलावा किसी तरह का कोई पोर्ट इसमें नहीं है। ये जो लैपटॉप है बैकलाइट कीबोर्ड के साथ में आता है, उसको हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, और इसे आप एक हाथ से उठा सकते हैं, दैट मीन्स हिंज काफ़ी अच्छा है इसमें, और काफ़ी स्क्रैचेस हमें सामने मिला है। किस तरह का कोई पॉलिश है इस पे जो स्क्रैच करने पे निकल रहा है ऊपर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। कीबोर्ड वर्किंग था इसमें, और किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। ये बूट होके कुछ देर बाद ऑटोमेटिक शट डाउन हो रहा है। यहाँ कॉर्नर पर भी स्क्रैच है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच है, और ये जो पॉलिश है ये निकलता रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और डिटेल में आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में मिल जाता है, यही इसका पावर बटन भी है, और आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और नॉर्मल प्रेस से ये फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करेगा। डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ टाइम यूज़ होने के बाद ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, इसलिए इसे रिटर्न कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले पे भी ये जो हालत है, ये उसने यूज़ करने के बाद में किया मेरे फ्रेंड ने। और कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, ये काफ़ी प्यारा लगता है। इसमें एक छोटा शटर दिया हुआ है कैमरे के जस्ट ऊपर, जिससे आप इसे कैमरे को बंद कर सकते हैं। लैपटॉप का वेट जो है 1.53 kg का इसका वेट है, और रैम जो है 16 GB रैम के साथ में है, इसे आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 1 TB का SSD इसमें लगा हुआ है, विंडोज़ 10 प्रो होम के साथ में ही आता है, और इससे आप देख सकते हैं ये कुछ मैग्नेटिक है, ये आप जो साउंड आप देख रहे हैं इसे अगर आप उठाएंगे और वापस लगाएंगे तो मैग्नेटिक साउंड आता है। एक ओरिजिनल अडेप्टर के साथ में आता है, डेल का ओरिजिनल अडेप्टर है, 63 वाट का इसमें चार्जर आपको मिल जाता है में डेल का ओरिजिनल। और कुछ और डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे HDMI जो है इसमें 2.0 इसमें HDMI पोर्ट आपको मिलता है, और ये देखिए सी पोर्ट के साथ में है, और इसमें आप मल्टीपल पोर्ट है इसमें सी पोर्ट, जिससे के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जो सी पोर्ट है इनको आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका चार्जिंग का इंडिकेटर भी बना हुआ है, और इसको आप 180 डिग्री में फ्लैट स्क्रीन के साथ में यूज़ कर सकते हैं।
और बेसिक गेमिंग आप कर पाएंगे अगर गेमिंग का आपको शौक़ है, कुछ हद तक गेमिंग आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो नहीं है, बट काफ़ी हद तक गेमिंग आप इस पर कर पाएंगे। और आप अगर एक स्टूडेंट है, किसी तरह का कोडिंग, कुछ बेसिक वीडियो एडिटिंग और इस तरह के काम आप इजीली इस पर कर पाएंगे। वीडियो एडिटिंग में किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका हमने टेस्ट किया हुआ था। और इंटरनल आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। और ये बैटरी का एरिया है जो हमने बैटरी निकाल के भी आपको दिखाया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे आपको SSD देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसे इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। SSD को काफ़ी हद तक अपग्रेड किया जा सकता है, RAM भी अपग्रेड किया जा सकता है। RAM आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और इस लैपटॉप का हम URL देने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लेना है तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मे बी ये लैपटॉप अवेलेबल ना हो अभी तो आप दूसरे मॉडल को, सिमिलर मॉडल जो हमने दिए रखा है, उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए, इस पर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए जब लैपटॉप रिटर्न होकर आएगा, तो उसमें बाकी टेस्ट करके हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।